वेलकम बैक क्लास। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक फिनिश किया था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा था कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो ये सारे फील्स रखते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक ये देखा था कि अगर सब्जेक्ट की फील कमांड की है, ऑर्डर की है, तो जो सेड है वो ऑर्डर्ड में बदल जाता है। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील रिक्वेस्ट की है तो वो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है, और अगर कोई एडवाइस की है तो एडवाइज्ड में बदल जाता है। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। डू नॉट मतलब नहीं, जहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में स्पेशली इम्पेरेटिव डू नॉट हम पहले भी पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर डू नॉट आता है तो जो जैसे हम प्रीवियस सेंटेंसेस में सेड को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल रहे थे, तो वहाँ पर अब यहाँ पर हम फॉरबिड वर्ड यूज़ करेंगे। ये फॉरबिड वर्ड का मतलब ही होता है डू नॉट, वो डू नॉट के जगह पर रिप्लेस कर रहा है खुद को। तो हम डू नॉट वर्ड को फिर, तो इसके कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम डू नॉट वर्ड को हटाकर फॉरबिड को यूज़ करेंगे। ये हमारा सिक्स्थ रूल है। ये हमारा सिक्स्थ रूल है। इफ रिपोर्टेड स्पीच, आर एस का मतलब मैं बार बार बता रही हूं, आर वी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, इज नेगेटिव, नेगेटिव और स्टार्ट विथ डू नॉट, स्टार्ट विथ डू नॉट, देन वी यूज forbid, forbade, forbid in place of said, clear? कि अगर reported speech में negativity है, negative है sentence और start हो रहा है do not word से, तो हम उसको सेड को जो है सेड की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, फॉरबेड। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा inverted comma, do not abuse anyone, do not abuse anyone। अब यहां पर इसका हम इनडायरेक्ट बना के देख लेते हैं। क्या करना था हमें, सेड की जगह क्या यूज करना है, फॉरबिड द टीचर फॉरबिड
द बॉयज, बाकी के रूल्स वही रहेंगे. टू, हम कनेक्टिव क्या वर्ड यूज करे थे, टू अब्यूज एनीवन, राइट. तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ. क्लियर. अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल है, माय फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम इनवर्टेड कॉमा क्लोज. हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं. माई फादर forbid me to waste my time. Clear? हम एक दो examples और देखते हैं. She said to him, comma, inverted comma, do not disturb me, inverted comma, close. Sentence देख लेते हैं. She forbade him to disturb her. उसने मना किया है उसको disturb करने को. जो forbade word है वो बार बार किसको replace कर रहा है, do not को. इसीलिए जब हम indirect का sentence बना रहे हैं तो इस sentence में से do not remove कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जगह पर हम forbade word को यूज कर रहे हैं, राइट. अब इसी के आगे आता है कि अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड हो तो सेंटेंस किस तरह से. तो एक दो एग्जांपल हम उसके भी देख लेते हैं थोड़े, ताकि ये पूरा इम्पेरेटिव हमारा कंप्लीट हो जाए. तो ये हमारा सेवेंथ रूल है. प्लीज और काइंडली है तो हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड वर्ड को यूज करेंगे. ये भी देख लेते हैं, हम इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं. He said to me, comma, inverted comma, please bring me a glass of water. सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, क्योंकि प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड सेड टू की जगह. ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम
to bring him a glass of water. Clear? एक और example देख लेते हैं. She said to Sita, comma, inverted comma, kindly help me. She requested Sita to help her. ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि अब तक हम जो पढ़ रहे थे, मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ बता रही हूँ कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ा है और एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कनेक्टिविटी लेके चला है. तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, ये सारे चीज़ें हमने यूज़ की. लेकिन बेसिक चीज़ क्या थी कि हमने कनेक्टिव जो था टू यूज़ किया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई. तो ये सारी छोटी छोटी जो चेंजेस हैं, छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं. और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस, और ऑपरेटिव सेंटेंसेस हमारा लास्ट टॉपिक होगा. उसके बाद आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है फिनिश हो जाएगा. ओके, थैंक यू. सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने हिंदी व्याकरण प्रकरण में भाग एक और भाग दो दोनों स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया, जिसमें स्वर संधि के प्रकार और परिभाषा और स्वर संधि के पहली दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया था. आज हम यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे. यण संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है. अब देखें कि यण संधि और अयादि संधि, यण संधि की बात करें अपन पहले. यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में ई ई या उ उ, या यदि ई ई उ उ तथा री के बाद, इसमें क्या आता है, ई ई उ उ री के बाद, री के बाद क्या आ जाएगा, भिन्न स्वर. क्या आएगा, भिन्न स्वर. जब भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर अर्थात अलग, ई ई के साथ उ उ आए, ई ई के साथ अ आ आए, उ उ के साथ ई ई आए, उ के साथ अ आ आए, इस प्रकार री के साथ अ आए, तो भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हमें यण संधि का प्रयोग होता है. और यण संधि में सीधा भी पहचान करना हो तो आधा वर्ण आता है. आधे वर्ण, जिस भी संधि युक्त शब्द में आधा वर्ण आए, जैसे सुदन आगत, सुदन आगत, तो यहाँ पर स्वागत शब्द बनेगा. सुदन आगत का क्या बना, स्वागत शब्द बना. तो इस प्रकार यहाँ पर सु का उ और उ के बाद क्या आया, अ आया. तो यदि किसमें ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का क्या होगा, तो ई और ई ई का, है ना, ई और ई का क्या हो जाएगा, य, उ उ का हो जाएगा व और री का हो जाएगा र और री का हो जाएगा र हलंत. ठीक है, तो ई ई ई के बाद क्या है, भिन्न स्वर आता है तो ई ई का तो यह हो गया, है ना, उ उ का वह हो गया और री का र
हो जाता है, तीनों हलंत में है ना, ये ध्यान रखना है, ये होगा तो आधा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संधि होगी वो यण संधि होगी। यण संधि पर अपन मूल टॉपिक पर बात करें, यण संधि में क्या है, यण संधि यदि ई ई या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का दिया हो जाता है, उ का वह हो जाता है और औ री का र हो जाता है। हलंत है ना, हलंत भूलना नहीं है, नहीं र पूर्ण हो जाएगा, इसलिए हलंत जहां शब्द है हलंत का प्रयोग करना है। प्राय य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना, य व और र, यहां देखना य व और र के पहले स्वर से रहित व्यंजन का होना। जो स्वर से रहित व्यंजन होगा इसका मतलब क्या होगा, हलंत युक्त व्यंजन होगा। यण संधि की पहचान है कि हलंत युक्त होना, आधा वर्ण होना है ना, तो वहां अब जैसे अभी धन अंतर व्यंजन का होना, अब अभी धन अंतर अभ्यंतर बना, अभी में अगर हम ई की मात्रा हटा देते हैं तो भ बनता है और भ भी वो क्या होगा, हलंत होगा, तो अब और अंतर तो ई है, तो अभी धन अंतर का क्या हो गया, भ आधा रहा इसलिए हमने आधा लगाया और अंतर ई का क्या हो गया, हमारा यह होता है नियम में, तो यहाँ अभ्यंतर हो गया, ई और अ से यह बना, हमारा अभ्यंतर हो गया। अधिधन अक्ष अध्यक्ष बना, ईधन अ के बाद यह बना अध्यक्ष बना, नीधन आय का न्याय बना, ईधन आ का या बना, अभिधन उदय अभ्युदय बना, ईस के बाद उ लगा, अभी का ई और उदय का उ से यू शब्द बना, प्रतिधन एक प्रत्येक शब्द बना, प्रति का ई और एक का ए से ये बना। हमें ये ध्यान रखना, अ है तो य, आ है तो या, ई है तो ए है तो ये, और उ है तो यू, और आई है तो ए है तो ये, इस प्रकार हमें आगे ध्यान रखना है। आगे कुछ उदाहरण और हैं, हम देखते हैं। सुधन अच्छ स्वच्छ, अब सु का भी उ और अ, यदि अ आ के बाद उ के बाद अ आए तो वह होगा, हमारा नियम है। इस प्रकार पितृधन आज्ञा, पितृ का रही होता है और आ का आज्ञा का आ, और इस प्रकार रा शब्द बना तो क्या बना, पित्राज्ञा। इस प्रकार कौन संधि, यण संधि में, और यण संधि में हमेशा ध्यान रखना आधा वर्ण होगा, जहां पर आधा वर्ण आ जाए वहां पर भी संधि, जैसे प्रतिदन अय प्रत्यय है ना, इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में पूरा नियम अलग है, सबके नियम अलग है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नियम याद नहीं होगा तो संधि प्रकरण के बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो अयादि संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हमने पहले क्या देखा यण संधि में, ई ई उ और री के बारे में देखा था, तो उ ई ई का य, उ का व और री का र हो गया था, यहाँ पर उ तक तो हो गया। अब ए ऐ और ओ औ जो चार हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उनके बारे में का स्वर संधि में क्या प्रयोग है, तो यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न अर्थात अलग स्वर आए तो ए का अय होगा, ऐ का आय होगा, ओ का अव होगा और औ का आव हो जाता है। जैसे ने दन अन नयन, अब ने का क्या है, ने का ए ठीक है एक मात्रा है और अन का अ अन्य स्वर है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर अ आया तो नयन हुआ, तो क्या हो गया, ए का अय हो जाएगा, ऐ का आय तो नेदन अय नयन, ए अ ए और अ का अय हुआ तो नयन हुआ, नेदन अक यहाँ ए ऐ है और अ है, जब ऐ मात्रा आ जाए तो आय बनाना है, ऐ धन अ नायक आय शब्द बना तो नायक हुआ। इस प्रकार हो धन अन हवन, बोधन अन भवन, इस प्रकार ओ का बाद अ आना अव होना तो हो धन अन हवन, पो धन अक पावक, औधन अ से आव हुआ, दौ धन अक धावक तो औधन अ से आव हुआ, गे धन अक गायक, ऐ धन अ से आय शब्द बना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अय आय अव और आव कहाँ पर होगा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव, इन चारों प्रकारों में अध्ययन होगा। जैसे अपन कुछ उदाहरण से भी देखने का प्रयास करें, अगर जैसे यहां बोधन अन भवन
गे धन अक गायक ने धन अक नायक। इस प्रकार इन तीनों प्रकारों के बारे में यहाँ पर जो अयादि संधि थी, अब पूरे स्वर संधि के कुल प्रकार, संधि के कितने पार्ट हैं, स्वर संधि की परिभाषा, स्वरों से स्वरों का मेल होता है और इसके बाद स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल नहीं होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का, इसके बारे में अपन ने देख ली है। इसके बाद प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, संधि के प्रकरण में स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, 5 प्रकारों के कुछ उदाहरण और ढूंढने का प्रयास करें किस प्रकार होगा और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करें। अब देखें हम बात करें अयादि दीर्घ संधि, दीर्घ में हमेशा दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना है ना, वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना। गुण में क्या होता है, ए ओ की मात्रा। वृद्धि में क्या हो गया, ए ओ अर वाला है ना, ए ओ अर होना, आई और औ वाला। वृद्धि संधि में अपन देखते हैं तो ओ आ के बाद में क्या हो गया था, ओ ए आई और औ वाला है ना, परमोज वाला। और यण में आधा वर्ण ध्यान रखना है, आधा वर्ण जहाँ भी होगा वहाँ यण संधि, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कभी ऑप्शंस वाले में तो आधा वर्ण सीधा देख करके भी हो जाता है, प्रत्यय हो गया, स्वागत हो गया, यण संधि। और अयादि अंत में हमारा अयादि संधि है जिसमें अय आय अव और आव, इन चारों के से भी अगर ये भी अपने नियम अगर ध्यान में है तो आराम से अपन संधि प्रकरण पूरा समझ सकते हैं। कल हम संधि प्रकरण में व्यंजन संधि के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, उसके प्रमुख नियम कौन कौन से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपके क्यूब रूट एंड क्यूब, क्लियर। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 8, कंपैरिजन क्वांटिटीज। कंपैरिजन क्वांटिटीज का मीन्स ये होता है कि जैसे कोई भी 2 वैल्यू होती है, जैसे कोई भी थिंग्स होती है तो उसमें कंपेयर करना, कंपेयर का मीन्स जैसे हम अभी तक तो हम क्या नंबर कंपेयर करते हैं, कोई भी चीज़ नंबर करके कैसे कंपेयर करोगे आप, 2 or 3 विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉलर, तो इस टाइप से कोई भी नंबर, कोई थिंग्स, कोई यूनिट्स अगर आपको मेजर करनी हो कि विच इज मतलब क्या ग्रेटर है क्या स्मॉलर है, तो इस टाइप से क्या होता है कंपेयर करना किसी भी चीज़ में, ठीक है, कि वो बेनिफिशियल है या नहीं, मतलब इस टाइप से कौन ज़्यादा लॉस में है कौन ज़्यादा प्रॉफिट में है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप में हम क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और उसमें क्या होगा कंपैरिजन करना है, क्लियर। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंस है, जैसे फर्स्ट देखो आपके 114 पर देखना, इसे कंपेरिजन किस किस में हम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था जैसे नंबरिंग, जैसे नंबर में कैसे करेंगे, जैसे 10 और 3 है, तब उसमें विच इज़ ग्रेटर, 10 is greater than 3, तो वो क्या हो गया, कंपेयर हो गया, क्लियर। सेकेंड है आपके रेशियो, जैसे हम क्या करते हैं रेशियो, रेशियो तो आपने सुना ही होगा, रेशियो का मीन्स क्या होता है, जैसे हमें कोई भी 2 क्वान्टिटी का कंपेयर करना है, ठीक है, रेशियो को सबसे फर्स्ट डिनोट कैसे करते हैं, ये 2:4, ठीक है, ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे 2:4, 2:4 ये कैसे, इसको क्या करेंगे आप रेशियो, मतलब रेशियो में क्या होते हैं 2 dots, क्या होते हैं 2 dots से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें क्या है कि ये दोनों क्वांटिटी, दोनों क्या है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी कोई थिंग्स है, कोई भी कोई वैल्यू है, तो इनमें आप कंपेरिजन किया, तो इसमें कंपेरिजन कैसे होगा, कौन विच इज़ हाइएस्ट, जिसका रेशियो जो हाइएस्ट होगा वो हाइएस्ट वैल्यू, तो अब इसमें क्या इन दोनों की कोई भी वैल्यू होगी तो उनका रेशियो क्या आ गया 2:4, ठीक है। तो ये रेशियो में कन्वर्ट, रेशियो में भी हम उसको किसी भी चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर, यस। अब नेक्स्ट है आपकी जैसे परसेंटेज, जैसे हमको परसेंटेज फाइंड कर दे, परसेंटेज जैसे हम क्लास में भी जैसे कि स्टूडेंट के परसेंट फाइंड करते हैं तो विच इज़ हाई है, जैसे
जैसे किसी स्टूडेंट के 78 है और किसी स्टूडेंट के 98% है, तो इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हो कि विच इज मोर किसके हाईएस्ट परसेंट है। तो ये वाले, तो ये भी क्या हो गया, दोनों सेम यूनिट होगी, दोनों में मतलब आप कंपेयर करते हो किसी भी चीज़ में तो सेम होना चाहिए, मतलब सेम का मीन दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर आप परसेंट में कन्वे कर रहे हो तो दोनों साइड आपकी क्या होना चाहिए, परसेंट ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप 78% कर रहे हो और यहाँ पर आप मार्क्स कर रहे हो तो वो नहीं होगा, क्यों, हमें तो क्या करना, कंपेयर करना है कि इसके 78 है इसके 98 है, तो क्या होगा, तो 98% इज मोर, तो ये सेम होगा ना परसेंट, जैसे मुझे मार्क्स में करना है 240 इसके हैं, इसके आए 390, तो क्या होगा, अब ये मार्क्स का कंपेयर हो गया। तो इस टाइप से जो भी आप कंपेयर करते हो तो उसमें यूनिट जो होती है, क्वांटिटी होती है, वो सेम होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके, जैसे परसेंट में डिस्काउंट फाइंड करते हैं, परसेंट में जैसे कोई भी वैल्यू होती है उसमें डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, उसके बाद आपके कोई टैक्स ऐसे कुछ एडिट किए जाते हैं तो उसमें भी हमें प्रॉफिट होता है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट आपके टॉपिक है कि हम प्रॉफिट और लॉस में भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो हमें क्या होगा, हर चीज़ में बेनिफिशियल मिलेगा, और लॉस होगा तो हमें उसमें क्या होगा, लॉस ही होगा। जैसे कि कोई भी थिंग्स हम सेल करते हैं तो अगर लॉस में होता है तो हमें क्या होता है, वहाँ पर नुकसान ही होता है, तो वो भी एक कंपेरिजन होगा, क्लियर। नेक्स्ट है आपके जैसे इंटरेस्ट का मीन्स ये होता है, जैसे कोई मनी उधार देता है तो क्या करता है, वो मनी को लेंड करता है तो उसमें उधार मतलब किसी को देता है तो वो एक्स्ट्रा ओवर चार्ज लेता है, तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इसमें टू टाइप के इंटरेस्ट है आपके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। अब इसमें भी ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आपको कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके फर्स्ट देखना, जैसे वन बाय वन हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट है रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज, ठीक है। रेशियो तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करना है, आगे मैं आपको पूरा और बता देती हूँ। जैसे कोई भी रेशियो ले लिया हमने 2:4, अब इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है। अब ये रेशियो हो गया आपके, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है 2 डॉट्स, क्लियर। जैसे कोई भी आप क्वांटिटी, अब ये रेशियो आया कहाँ से, ये भी देखना है कि हाउ टू सॉल्व रेशियो, रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे। इसे ये हमेशा ध्यान रखना कि सबसे फर्स्ट तो कि रेशियो हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन जैसे ले लिया हमने, अब ये रेशियो में तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है, ये लिख दिया, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, अब इसको फिर से हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2:4, क्लियर। तो ये हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म, क्लियर। और फ्रैक्शन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड की फॉर्म है, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें देखना ये है, अब इसमें आप जैसे इसको ए ले सकते हो, इसको बी, जैसे टर्म्स होते हैं ना, तो इसको डिनोट कर दिया हमने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ए है बी है, अब ए में ये वैल्यू 2 है और बी में वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। ये है आपके रेशियो में, इसको फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, सेकेंड। अब इसमें देखना रेशियो समझ में आ गया आपको, अब टर्म ऑफ द रेशियो बता दिया फर्स्ट और सेकेंड टर्म। थर्ड है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, मीन्स रेशियो में क्या होता है, जैसे आप कोई भी रेशियो फाइंड कर, जैसे आपको रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, अब जैसे रेशियो दे रखा, अगर आप किसी भी नंबर को, इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी रेशियो को, किसी भी रेशियो जैसे ऑलरेडी पहले रेशियो दे रखा है, और अगर फिर इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद अगर आप किसी इसको, आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर, तो सेम नंबर से, जीरो नहीं होना चाहिए, सेम नंबर से, तो उसका आंसर एज उसका रेशियो कभी चेंज नहीं हो, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि जैसे हमने ले लिया 2, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, किसी भी रेशियो को अगर हम किसी भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मीन्स क्या होता है, वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी वो कौन से भी नंबर होंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने, अब आपको पता है फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं और डिवाइड भी सेम नंबर से ही करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर 2:2 किया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा, अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/4 आ गया, फिर से 2/4, तो इस टाइप से इसके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप किसी भी नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होगा तो वैसे ही मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, कि 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपको इसमें सॉल्व करना है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट है आपके टॉपिक रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर जैसे कोई भी रेशियो दे रखा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 2/4 कोई भी रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, जैसे 2/4 ये और भी सिंपल हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे 2/4 तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या दोनों को सेम टेबल से ही कट करना है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है आपके सॉल्व एग्जांपल। ये एग्जांपल दे रखे, अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा और जैसे बाय चांस आपको फ्रैक्शन में इस टाइप से दे रखा और आपको इसमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई में चेंज, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा आंसर की 3/2 क्या आ जाएगा, जैसे हमने दोनों को सेम टेबल से कट किया, 5 के टेबल से कट किया, तो आंसर क्या आएगा 3/2, और 3/2 अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 3:2। ठीक है, ये इस टाइप से आपको रेशियो में इसको चेंज करना है। क्लियर, इसमें आपके इसके बेस पे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज भी है, तो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब है नेक्स्ट आपके प्रपोर्शन, क्या होगा प्रपोर्शन, नेक्स्ट आप टॉपिक है आपके प्रपोर्शन। नेक्स्ट है आपके प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मीन्स क्या होता है, जैसे इसमें 4 टर्म्स होते हैं, रेशियो में कितने टर्म्स होंगे, 4 टर्म। अब इसमें 4 टर्म, जैसे ए रेशियो, बी पेयर ऑफ रेशियो, सी एंड डी। यहाँ पर ये दे रखा है कि ए रेशियो बी, यहाँ पर ये, अब ये जो सिंबल होगा वो ये क्या होता है प्रपोर्शन का, किसका होता है प्रपोर्शन, और ये सी एंड डी, मतलब इसमें क्या है ये दोनों रेशियो, ये दोनों भी रेशियो, ठीक है, इन दोनों, ये इन दोनों और ये दोनों, इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल होना चाहिए, मीन्स क्या कि इसमें इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू, इसका मीन क्या कि ए और डी की वैल्यू ए इंटू डी, और यहाँ पर क्या होगा बी इंटू सी, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो ही वो प्रपोर्शन को एग्जिट करेगा। समझ में आया कि क्या ए और बी, ए इंटू सी और बी इंटू सी, ए इंटू डी और बी इंटू सी, अगर ये दोनों होंगे, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है हमेशा अगर प्रपोर्शन में, तो वही प्रपोर्शन क्या होगा एग्जिट होगा। ठीक है, अदरवाइज वो प्रपोर्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट आपके देखना है इसमें प्रपोर्शन, समझ में आ गया। अब इसमें देखना प्रपोर्शन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट जैसे ए बी एंड सी डी, अब इसमें जैसे रेशियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो इसको भी कुछ नेम है, तो ये भी क्या होगा जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब इसमें ये जो दोनों जो होंगे बी इंटू सी, बी इंटू सी, ये कौन से हो जाएंगे मीन, मीन मीन मिडिल, मिडिल टर्म, और ये जो ए इंटू सी, जो ए इंटू सी है वो क्या हो जाएगा आपके एक्सट्रीम, क्या हो जाएगा एक्सट्रीम टर्म, मतलब जो बाहर वाले, एक्सट्रीम का मीन्स क्या होता है आउटर, और जो बीच वाले होंगे वो मिडिल, बस ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इस टाइप से ये दोनों आपके प्रपोर्शन में, ये सब ध्यान रखना है कि इसको ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, क्यों एग्जाम में आ भी सकता है कि जैसे ए इंटू डी, तो ये कौन सा टर्म हो सकता है, तो इसको आप बोल सकते हो एक्सट्रीम, बी एंड सी है तो इसको आप क्या बोलोगे मीन, तो इस टाइप से इसको मीन। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रपोर्शन। क्लियर, अब परसेंट, परसेंट का मीन्स क्या होता है, परसेंट तो आपको पता है, जैसे परसेंट हम फाइंड भी कैसे करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आपके मार्क, जैसे कोई स्टूडेंट मार्क गेन करता है तो वो कैसे परसेंट फाइंड करोगे, पता है आपको टोटल नंबर होते हैं जो ऑब्टेन करता है वो न्यूमरेटर में आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर परसेंट में कन्वर्ट करनी हो तो हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई 100, और परसेंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन 100। क्लियर, 100 पर ही होता है ये। इसमें आगे दे रखा है आपके, अब नेक्स्ट देखो, यस, अब जैसे सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, जैसे इसमें क्या होता है फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना हो, परसेंट को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो बहुत सारे इसमें कन्वर्जन है। ये चीज़ आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी होगी कि किस टाइप से किस में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट कन्वर्जन है आपके कि टू कन्वर्ट रेशियो इन द परसेंट, जैसे कोई भी रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, अगर उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ आप देख लो,
पर्सिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है ना आपको, पर्सिंग का सिंबल ये इस टाइप से, ये पर्सिंग का सिंबल है। यस, जैसे आपको दे रखा है फर्स्ट कोई भी रेशियो दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है आपको 6 अपॉन, जैसे फर्स्ट है आपके कि रेशियो को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 6:5, ठीक है। तो इसको आप सबसे फर्स्ट क्या करोगे, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख देंगे इसको और मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी आप फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, रेशियो को, फ्रैक्शन को, डेसिमल को, किसी को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आप परसेंट की वैल्यू का अगर आप रिमूव करते हो तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आप 5 के टेबल से ये डाय आप कट कर सकते हो, तो ये आपके आ जाएगा 20, ठीक है, और 20 का अगर आप डाय मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपके 120। क्लियर, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना। अब 120% आ गया, अब 120% क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर में ना, यहाँ पर ये देखो 6 अपॉन का इम्प्रॉपर में, इसका भी मिक्स में, ये चीज मिक्स में आ गई, मिक्स परसेंट है ये, तो इसमें इसलिए इसका आंसर ओवर 100 आया, ओवर 100%। ये क्या है 120% का भी, जिसे 100% ही होता है, पर ये क्या कि 6/5 है इम्प्रॉपर में, इसलिए इसका आंसर 120% आया, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर में, अगर यहाँ पर प्रॉपर होती तो इसका आंसर 100 के अंडर में ही आता। यस, नेक्स्ट है आपके देखना, टू कन्वर्ट परसेंट इनटू रेशियो। अब इसमें क्या करना है, टू परसेंट दे रखा उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, सेम अगर परसेंट दे रखा उसको फिर से रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे परसेंट है, जैसे इसी को ले लिया मैंने 120, ठीक है, ये परसेंट यही ले लिया मैंने, अब इसी को जैसे मैंने 120% है, तो परसेंट को हम रिमूव करेंगे तो बाय 100 आ जाएगा, और बाय 100 के बाद क्या करेंगे, वही सॉल्व सिंपली, तो क्या हो जाएगा 6/5, तो आ गया फिर से, और इसको अगर आप कर रहे हो तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, और ये हमेशा ध्यान रखना रेशियो में कि जो भी आपके न्यूमरेटर में जो डिजिट होगी वो पहले ही आएगी, फर्स्ट में ही आएगी, और सेकेंड में जो डिनोमेटर में होगा वो बाद में ही आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप 5:6 करोगे ये होगा तो ये भी आपके रॉन्ग होगा। क्लियर, नेक्स्ट है आपके टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अब जैसे आपको कोई परसेंट में दे रखा और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे ये जैसे 120 है, ठीक है, अगर इसी को आपको परसेंट में दे रखा है तो मैंने क्या कर दिया, इसमें अपॉन 100 कर दिया, और अपॉन 100 करने के बाद अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, वही 0:0 कट, और ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ ओनली फॉर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, तो बस ये एज इट इज 6/5 आंसर। क्लियर, अब आपके नेक्स्ट है आपके कि टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, 2-3 और हैं फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेयॉन का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, रेयॉन किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस में करके उसको हम उसके फाइबर या थ्रेड बनाते और फिर उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं फैब्रिक बनाने में। अब रेयॉन के यूज़ पढ़ते हैं, रेयॉन कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से इसका हम यूज़ अपने डेली रूटीन लाइफ में एज अ क्लोदिंग मटेरियल उसका हम यूज़ कर सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ रेयॉन कैन बी वूवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर, दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क, फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ रेयॉन। ये क्वालिटी बता रहा है कि रेयॉन किस तरह का होता है, तो इसके फिलामेंट जो होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, बारीक होते हैं, लाइक अदर नेचुरल फाइबर, दूसरे नेचुरल फाइबर की तरह होते हैं, जबकि है क्या ये आर्टिफिशियल, पर बन किससे रहा है, नेचुरल फाइबर के साथ में बन रहा है, मतलब नेचुरल फाइबर का भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वुडन पल्प जिसमें बताया था ना हमने, ये सेल्यूलोज बोला था, यहाँ पर कुछ कार्बन डाइसल्फाइड और इन चीज़ों को मिक्स करके उसको बनाया गया था। दे हैव अ फील एंड टेक्स्चर ऑफ नेचुरल सिल्क, हम जब रेयॉन को टच करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिल्क जैसा है या सिल्क है, पर वो एक्चुअल में सिल्क नहीं है, सिल्क बहुत मतलब महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली होता है, इसलिए हम इस चीप सोर्स को अपनाते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसके कुछ यूजेस, फर्स्ट पॉइंट है आपको क्या लिखना है, यूजेज ऑफ रेयॉन, रेयॉन का यूज़ करके हेडिंग डालनी है, और उसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर। यहाँ पर बता रहा है कि रेयॉन का यूज़ जो है वो कहाँ पर है, तो रेनफोर्स्ड जो ऑटोमोबाइल के टायर बनते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल टायर में, यानी जो व्हीकल्स के टायर बनते हैं वहाँ पर रेयॉन के जो लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं उनका यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट, रेयॉन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विथ वूल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स,
कारपेट्स बनाने के लिए रेयन के फिलामेंट को ब्लेंड किया जाता है वूल के साथ, उसके बाद जो फिलामेंट मिलते हैं हमको उसका यूज़ हम कारपेट बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। थर्ड यूज है इसका, रेयन फिलामेंट आर ब्लेंडेड विथ कॉटन। पहले किसके साथ था? वूल के साथ। अब क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट में? कॉटन के साथ उसको ब्लेंड करो टू मेक स्मूथ सिल्की क्लोथ विथ विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग बेडशीट्स। जो बेडशीट्स बनाई जाती है वो हमारी इस तरह से बनाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम दे रखा है एक टायर और एक बेडशीट का, कि इसमें यहाँ पर जनरली रेयन का यूज़ होता है। नायलॉन क्या चीज़ है? नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग रेयन। हमने पढ़ लिया, उसका मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, वो कैसे बनता है। आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लिखना है और दो तीन उसके यूजेज, जैसे यूजेज तो यहाँ तीन ही दे रखे, वो तीन यूजेज लिखने। अब हम दूसरा सिंथेटिक फाइबर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है नायलॉन। नायलॉन दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, आप इसकी हेडिंग डालो, ये भी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। 1931 में विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, मतलब बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल, जैसे उसमें वुड पल्प लिया था, सेल्यूलोज लिया था, इसमें किसी तरह का रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं होता, मतलब सब चीज़ें इसमें क्या है? आर्टिफिशियल। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल। आप अंडरलाइन करो यहाँ से, सबसे पहले नायलॉन की हेडिंग डाल देना, फिर लिख देना एक वर्ड मैन मेड फाइबर, बस सफिशियंट। फिर आप लिखना नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखना, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल। कैसे प्रिपेयर होता है? तो एमाइड मॉलिक्यूल के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से क्या बनता है? नायलॉन। द एमाइड मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब एमाइड आपके लिए न्यू वर्ड है, एमाइड कहाँ से आता है? तो ये बोल रहा है कि एमाइड के मॉलिक्यूल हमको ऑब्टेन्ड होते हैं कहाँ से? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मैंने बताया था पेट्रोलियम का मीनिंग पेट्रोल से नहीं होता, पेट्रोलियम मतलब वो सारी चीज़ें जो ज़मीन से निकल रही है, वो सारी चीज़ें जो ज़मीन से एक साथ मिल रही है उनमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, उसको पेट्रोलियम बोलेंगे। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? एमाइड। बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। नायलॉन फाइबर क्या है? मैंने बताया आपको, ये लाइन अंडरलाइन करके ये नोट करनी, उसके बाद ये लिखना, ये लिख देना, द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। लॉन्ग चेन होती है पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल की। द नायलॉन फाइबर्स आर कैसे होते हैं, इनकी जो इनका नेचर होता है वो किस टाइप का होता है? तो नायलॉन के फाइबर इलास्टिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ में वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वाटर को रेजिस्टेंट करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये वो फाइबर था जो सबसे पहले बनाया गया था सिंथेटिक, नेचुरल नहीं। अब नायलॉन का कुछ हिस्ट्री दे रखा है इस टेबल में, है ना, ये भी हम पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। द टर्म नायलॉन यूज फॉर पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल इज नेम्ड आफ्टर टू सिटीज। नायलॉन जो कि पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल से बना है, इसका नाम नायलॉन पड़ा, उसके पीछे छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। न्यूयॉर्क इन USA एंड लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। तो इन चीज़ों को लेकर नायलॉन वर्ड का ओरिजिन हुआ। नायलॉन वर्ड इसलिए रखा क्योंकि दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, वो भी दो अलग अलग कंट्री के। ये न्यूयॉर्क USA में आता है, यहाँ के थे NY और यहाँ पर LON क्यों लिया है? तो LON लिया है लंदन के लिए। इट इज़ बिकॉज दिस प्रोडक्ट वॉज डेवलप्ड बाई द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज़ के अलग अलग साइंटिस्ट ने नायलॉन को बनाने में अपने एफर्ट्स लगाए, अपने एक्सपेरिमेंट किए, जिनकी वजह से इस फाइबर का नाम नायलॉन रखा गया। नायलॉन फाइबर इज हाईली इलास्टिक। कैसा होता है? यहाँ पे तो वैसे आ गया है इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट। यहाँ पे भी दे रखा है वापस, हाईली इलास्टिक, टेंसाइल एंड हैज़ द सिल्क लाइक अपीयरेंस। सिल्क जैसा इसमें कुछ होता है। द वुमन्स मतलब शाइनी होता होगा। द वुमन्स स्टॉकिंग मेड फ्रॉम नायलॉन फॉर इंस्टेंट हीट इन द मार्केट वेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1939। हाउएवर इन 1939 वेन दिस प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। मतलब ये जब आया मार्केट में, जब इसका पता चला कि नायलॉन जैसे फाइबर का भी हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम नायलॉन का यूज़ बड़े बड़े रॉप बनाने में करते हैं, रस्सियाँ जो बनती है ना ROPE, वहाँ पर यूज़ करते। तो ये जब आया 1939 में, तब दुनिया में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो मस्ट ऑफ दिस इट्स प्रोडक्शन वॉज डाइवर्टेड टू मेकिंग पैराशूट्स। हाउएवर व्हेन द वॉर एंडेड इन 1945,
मतलब उस टाइम में जब ये चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब इसका यूज़ कहाँ किया गया? पैराशूट्स बनाने में। उसके बाद जब एंड हो गया वर्ल्ड वॉर 1945 में, द प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग अगेन स्टार्टेड, वापस ये बनना शुरू हो गया। होता है ना, एक कोई भी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड में या कंट्री में कुछ आ जाता है, जैसे वर्ल्ड वॉर तो बड़ी चीज़ हो गई, तो वो आने के बाद सारी इंडस्ट्रीज, सारी चीज़ें क्या होती है, एक टाइम के लिए बंद हो जाती है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, उसी तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ तब सारी इंडस्ट्रीज जो थी, नायलॉन बनाना, जो नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थी, वो एक टाइम के लिए बंद हो गई, जो उसके ख़त्म होते ही वापस रीस्टार्ट हो गई। हाउएवर एंडेड प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग अगेन स्टार्टेड, वापस रीस्टार्ट हो गया। देयर वॉज सच अ ग्रेट डिमांड दैट सप्लाई कुड नॉट मैच, देयर वॉज अ ह्यूज ब्लैक मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट, वुमन हैव टू वेट फॉर आवर्स इन क्यूज टू गेट अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग। मतलब ये कि यहाँ पर जो इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था नायलॉन से, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई अचानक से, क्योंकि बनना तो बंद हो गया था, जो बना हुआ था वो सप्लाई पूरे लोगों को नहीं हो पा रहा था, तो उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई। अब यहाँ पे एक टॉपिक है यूजेज ऑफ नायलॉन, नायलॉन की मैन्युफैक्चरिंग। आपको ये सब लिखना नहीं है नोट्स में, ये समझने के लिए आपको नोट्स में क्या लिखना है, मैनमेड फाइबर, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल, उसके बाद लिखना है ये वाला, फाइबर आर इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट, ख़त्म। उसके बाद आप हेडिंग डाल देना यूजेज ऑफ नायलॉन। फर्स्ट है यूज फॉर मेकिंग रॉक, रस्सियाँ बनाने में, रॉक क्लाइंबिंग एंड फिशिंग नेट, वो जो माउंटेन्स पर चढ़ने वाले होते हैं ना क्लाइंबर, वो इन्हीं रॉप्स का यूज़ करते हैं जो नायलॉन से बनी होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। फिशिंग नेट जो बनाई जाती है वो भी नायलॉन से बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड एंड स्ट्रिंग फॉर टेनिस रैकेट्स, टेनिस का जो रैकेट्स की जो स्ट्रिंग होती है, यानी रैकेट में, टेनिस के रैकेट में जो ऐसे धागे बने होते हैं ना, वो होते हैं नायलॉन के बने हुए। उसके बाद में टायर बनाने में भी, टायर की कॉर्ड बनाने में भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है टेनिस रैकेट, ये इस तरह का जो बीच में नेट होता है वो नायलॉन का होता है। यहाँ पर टूथब्रश दे रखे हैं, वो भी नायलॉन के बने होते हैं, और पैराशूट वो भी नायलॉन से बना होता है। तो आपको ये पॉइंट मेंशन करने, और उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब ये बात ये भी है कि आप जिन चीज़ों को नोट्स में लिख रहे हो, अगर वो क्वेश्चन में आ जाते हैं डबल डबल, जैसे एक क्वेश्चन आ गया यूजेज ऑफ नायलॉन, आपने नोट्स में लिख दिया यूजेज ऑफ नायलॉन, अगर लिखा हुआ है प्रॉपर तो आपको फिर से आंसर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपके पीछे वाले क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, इसी में से बने हुए, तो आपका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़े थे, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर अपने तीन पार्ट कंप्लीट हो गए थे, लैंड, सोइल और वाटर, और फोर्थ अपन जो पढ़ते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, वो किस किस टाइप से उनको डिवाइड कर रखा है, उसके अलावा आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में डिफरेंट भी मैंने बता दिया था। अब इसमें भी फोर्थ पॉइंट यही आता है आपके, इस जो हम सब पढ़ रहे हैं इसमें, जो जो भी टॉपिक है उनमें सब में बेसिक चीज़ आपको देखने मिले, टाइप्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उनको कंजर्व कैसे किया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन ये कह सकते हैं कि इस लेसन के अंदर आपको सोइल को, वाटर को, लैंड को, नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब टॉपिक के अंदर आ रहा है। यानी कि अब आप ये सोच सकते हो कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसमें से एग्जाम में आएगा, क्योंकि सबको और ऑलमोस्ट आप सबके अगर नोट्स बना रहे हो तो आप कंपेयर करना, क्योंकि सब में वही चीज़ें आ रही है कि कंजर्व कैसे किया जाता है उनको, और सारे एक से रिलेटेड है, एक पॉइंट दूसरे के ऊपर बेस करता है, दूसरा नेक्स्ट के ऊपर। अब वाटर को कंजर्व करना है तो क्या करेंगे अपन, सोइल को इम्पोर्टेंस देंगे यहाँ पर। अब नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना है तो सोइल अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम जब आप लोग लर्न करते हो तो सब चीज़ को माइंड में रख के फिर पढ़ना कि इसमें ये आ रहा है कि वो आ रहा है कि सब में क्या चीज़ मेन कॉमन मिल रही है, तो जो हम सारे पॉइंट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और सबके अंदर वो पॉइंट्स सबके अंदर आ रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। अगर सबका अलग अलग लर्न करने बैठोगे तो कन्फ्यूज
कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या है किसमें क्या है, वरना सब में मेन चीज़ यही किसको कैसे कंजर्व किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो बेसिक है और सबके अंदर आ रहे कॉमन पॉइंट्स है, तो आप उनको सेलेक्ट करके अलग निकाल लेना कि कॉमन पॉइंट्स करके एक पॉइंट डाल देना कि क्या आ रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को भी देती हूँ तो अगर आप वो आंसर भी लिखते हो तो एक बार आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि जो कॉमन पॉइंट्स है वो सबके अंदर आ रहे, यानी कि आपको कम लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अंदर अपने क्या आ रहा है मेन पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको हम किस प्रकार से कंजर्व करेंगे, कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड एंड द नीड्स ऑफ पॉपुलेशन लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट कवर हैव बीन डिक्लेयर्ड। देखो क्या दे रखा है ये प्रॉब्लम, अगर आप लोगों से प्रॉब्लम पूछी जाए कि इन सब में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मेन प्रॉब्लम ही अपनी क्या आ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम दे रखी है ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है डिमांड, हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, हम लोगों की डिमांड बढ़ रही है एंड नीड्स ऑफ पीपल वही होगी लोगों की आवश्यकता, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट बहुत बड़े मात्रा में जो जंगल थे कवर हैव बीन क्लियर्ड उनको क्या कर दिया गया, साफ कर दिया। क्यों साफ कर दिया गया, या तो उनकी जगह पर नए मकान बना दिए गए होंगे लोगों के रहने के लिए, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी होंगी, तो इस कारण से क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से क्रिएट हो रही है। हेल्थ देर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व, अब इसके लिए हमको क्या करना है, अर्जेंट यानी कि बहुत आवश्यक है कि इसको कंट्रोल किया जाए, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में नेचुरल वेजिटेशन कुछ मिले ही नहीं, क्योंकि अभी भी ऐसा हो गया है बहुत सारी ऐसे वेजिटेशन हैं या ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो क्या हो गए खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, लुप्त हो गए हैं, तो अगर हम इनको अभी से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन है उनको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के बारे में पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी पहले होते, जैसे डायनासोर, हम लोग डायनासोर के बारे में खाली सुनते हैं, किसने देखा नहीं देखा, क्योंकि डायनासोर की प्रजाति क्या हुई खत्म हो गई, तो ये कैसे हुआ क्योंकि हमने उसको कंजर्व नहीं किया, अगर हमने उसको कंजर्व करके रखा होता तो वो ख़त्म नहीं होती। तो अभी भी हमारे पास ये समय है कि हम इन चीज़ों को क्या करें कंजर्व करें, क्योंकि ये बहुत कह सकते इम्पोर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज है जिनकी उपज हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। आप पानी को कैसे बनाओगे, किसी के पास है अभी ऐसी कोई टेक्निक आई है कि पानी बना दे? अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम बारिश तो ऑटोमेटिक करवाते हैं, लेकिन क्या वो पानी अच्छा होता है, क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? तो इन चीज़ों, अब आप कहोगे पौधे तो मैम हम लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, तो सारी रिक्वायरमेंट जो भी है किसी भी एक चीज़ को लेकर उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को क्या करें कंजर्व करें। क्या दे रखा है, द वेरियस वेज इन विच वी कैन कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन, कौन कौन से रीज़न है जिसके थ्रू हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है रिड्यूसिंग सोइल इरोजन, वही दे रखा है सोइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो अपरदन होता है अपक्षय होता है उसको क्या किया जाए रिड्यूस किया जाए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, क्या दे रखा है नेटिव प्लांट्स, नेटिव प्लांट्स का मतलब क्या होता है देशी पौधे लगाना। आजकल हम क्या करते हैं सारे जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी खाते हैं ऐसे ऐसे मार्केट में आप लोगों को बीज मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन भी देते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो जल्दी दे देते हैं, तो हम लोग उस जल्दी के चक्कर में अपने जो देशी प्लांट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं हम ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह पर हम विदेशी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है यहाँ पर नेटिव प्लांट्स का यूज़ करना है। लैंडस्केपिंग, कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों को जलाया जाता है किसके लिए जलाया जाता है, अभी यही बात आई कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम लोगों की डिमांड बढ़ रही है, हम लोगों की नीड्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, तो फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं आग लगा के उसको साफ कर देते, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट तरीका है सेटिंग अप नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन, क्या करना पड़ेगा जगह जगह पर हम लोग को नेशनल पार्क बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब कह सकते हो कि ऐसे अभ्यारण्य बनाने जिसमें अलग 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 प्रकार की वेजिटेशंस को एनिमल्स को जिनको हम क्या कर सके कंजर्व करके रख सके उनको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आप लोग भी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में गए होंगे, कुछ बच्चे केवलादेव में गए होंगे, रणथंभौर अभ्यारण्य में गए होंगे, तो वो क्यों बना रखें, लोगों को देखने के लिए भी बना रखें प्लस उनको कंजर्व करने के लिए भी बना रखे हैं कि किस प्रकार से हम उस क्षेत्र को कंजर्व कर सकते सुरक्षित रख सकते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ लेक्स क्रीक्स एंड वेटलैंड टू प्रिवेंट प्रीसियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशंस. क्या दे रखा है यही बात आई है. देखो यहाँ पर भी अब जैसे पानी को बचाना है तो उसमें भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि हमें इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा. आप नेचुरल वेजिटेशन को बचाना है तो भी हमें को इन सबको बचाना पड़ेगा, यानी कि लेक झीले क्रीक्स, क्रीक्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको, एंड वेटलैंड, वेटलैंड का मतलब नमी वाली जो जगह होती है जो बहुत नम रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है वो ज़मीन क्या होती है नमी वाली होती है. तो ऐसी प्रीसियस रिसोर्सेस, प्रीसियस का मतलब क्या होता है, ऐसी महंगी चीज़ों को या ऐसे रिसोर्सेस को हमको क्या करना होगा, डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है हास होना, यानी कि उनकी जो नष्ट हो रहे हैं उससे हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा. अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एंकरेज्ड एट ऑल लेवल्स. क्या दे रखा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम. अवेयरनेस प्रोग्राम का मीन्स क्या होता है, जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. सामाजिक उन्मूलन कह सकते हैं, सामाजिक वनारोपण कह सकते हैं, वन महोत्सव कह सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार से पौधों को लगा सकते हैं, उनको बचा सकते हैं. देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आज मतलब कि मंडे आज डेट है 6 सितंबर. 6 सितंबर का आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फर्स्ट मेन जो पेज आता है कवर पेज के ऊपर ही एक न्यूज़ दे रखी थी, वहाँ पर ऐसा लिख रखा था कि अगर हम किसी इंडस्ट्री को लगाते हैं या फिर हमको कोई जंगल से साफ करना होता है तो वो पेड़ को क्या करते हैं, काटते हैं. तो एक पर्सन ने क्या किया, ऐसे प्रोसेसिंग अपनाए, रीलोकेट प्रोसेसिंग, क्या नाम दिया गया उसको, रीलोकेट, यानी कि पेड़ को अपने ज़मीन से हटाकर, जो उसका मूल स्थान है उसको वहाँ से हटाकर, पूरा का पूरा हटाकर उसको दूसरी जगह लगाना. तो ऐसे में क्या किया, जिसके लिए उसको ज़मीन चाहिए तो उसके लिए उसको 16 पेड़ काटने थे, उसमें से उसने 16 पेड़ की जगह 13 पेड़ तो उसके वापस जिसने जहाँ पर उसने नई जगह पे लगाया, रिलोकेट किया उसने वापस से दूसरी जगह पे लगाया, वो उसकी प्रोसेसिंग सक्सेस हो गई थी, खाली 3 पेड़ों को उसको काटना पड़ा था. तो ऐसे लोगों से हमको क्या होना चाहिए, अब सीखना चाहिए कि वो लोग ऐसा करें तो हम भी ज़्यादा नहीं कर पाए तो हम थोड़ा बहुत तो कुछ करें, यानी कि अपने लाइफ में कम से कम हम एक पेड़ तो लगाए ही लगाए. उसके अलावा जैसे वन महोत्सव है और ऐसे प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं तो इसमें भी ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, पेड़ों के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे आपने चिपको मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा कि किस प्रकार अमृता देवी ने प्राण पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. तो ये क्या है, लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना चाहिए. ऐसे काम करने पर सरकार भी उनको क्या देती है, सम्मानित करती है, उनको पुरस्कृत किया जाता है. तो हमको ऐसे काम करने चाहिए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करना चाहिए. कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स. क्या दे रखा है, कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब मेंटेनेंस रखना, एंड द हैबिटेट फॉर वाइल्ड, जो वाइल्ड लाइफ की जो आदतन जो काम है उसको भी हम किस नेचुरल वेजिटेशन के थ्रू हम उसको कंजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. बिना उनके जो साइकिल चलती है, जो साइकिल चलने की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर रुक जाएगी. ये सारे पॉइंट्स हमने किसके बारे में पढ़े थे, किस प्रकार से हम नेचुरल वेजिटेशन को हम क्या किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं. तो आपको भी जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और हमको नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना चाहिए. तो इसकी जो नोट्स मैंने आपको बताए हैं, कॉमन नोट्स बनाना सभी टॉपिक्स के मिला के, अभी मत बनाना जब लेसन पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद, क्योंकि 5 पॉइंट के अंदर आपको इनको कंजर्व कैसे करना है ये बता रखा है. जिनके कॉमन नोट्स बनाओगे कुछ पॉइंट्स आपको कॉमन मिल जाएंगे, किसी का भी क्वेश्चन पूछा जाए आप वो पॉइंट्स लिखोगे आपका आंसर सही हो जाएगा. इसके बाद जो दे रखा है वाइल्ड लाइफ एज ए रिसोर्सेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि आग पर नियंत्रण किस प्रकार की जाती है. आज हम दहन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. दहन आप जानते हैं कि एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर अगर को गैस में गैस स्टोव के निकट लाएंगे तो क्या होगा, यानी कि गैस आपके
घर के अंदर किचन के अंदर होता है, जब जलती हुई तीली या लाइटर से अगर गैस जलाएंगे तो क्या होगा, हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। आपने भी कभी जलाया होगा या देखा होगा कि जब गैस के पास में जलती हुई तिली या लाइटर ले जाके हम बर्नर की सहायता से चलाते हैं तो वह तेजी से जलता है ना, तो यह तीव्र दहन कहलाता है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। यह दहन का एक प्रकार है, तीव्र दहन जो हम गैस के अंदर करते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। फास्फोरस अगर हम कमरे के अंदर खुला रख देते हैं तो वह जल उठता है, यानी कि कमरे के ताप पर भी जल जाता है। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। अपने आप जल गया है, यानी कि उस ताप पर ही वह जल जाता है, यानी कि ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। दूसरा प्रकार था जैसे कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल में स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से होता है। कोयले की खानों में स्वतः दहन होता है ना, और जंगल में देखा होगा आपने आग लग जाती है तो वह भी स्वतः दहन। लेकिन जंगल में कभी कभी क्या, मनुष्य की लापरवाही के कारण, मान लो कोई मनुष्य बीड़ी सिगरेट पी रहा है वो माचिस डाल दी तो जंगल में आग लग जाती, एक यह भी कारण होता है। कभी कभी क्या, जंगलों में कैंप लगा दिया जाता है तो कैंप में क्या है, आग वाग लगाते हैं और हम क्या करते हैं, लाश में जाते समय आग नहीं बुझाते तो वह आग धीरे धीरे फैल कर जंगल में लग जाती है, यानी कि स्वतः दहन कह सकते हो। तो जब भी हम कभी कैंप लगावें या जंगल में आग लगावें, वहाँ से जाने से पहले आपको आग को बुझा देना है, ठीक है। यानी कि जंगल में यदि आप पिकनिक या शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखना चाहिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। आप शादी ब्याह या कोई त्यौहार पे पटाखे जलाते हैं, दीपावली पे पटाखे जलाते हो तो क्या होता है, ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। ऊष्मा होगी, प्रकाश उजाला होगा और विस्फोट के साथ वह जलेगा, एक ध्वनि उत्पन्न करेगा, तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। तो जो पटाखा हम जलाते हैं वह विस्फोट दहन कहलाएगा, तेज ध्वनि के साथ में जलता है। तो इस प्रकार हमने दहन के प्रकार पढ़े थे, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। अब देखो आगे ज्वाला। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण कीजिए, क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। एलपीजी गैस यानी कि घर के अंदर जो किचन के अंदर जो गैस जलाते हैं उसका जो दहन आग जो ज्वाला जो होती है, उस ज्वाला को देखो और एक मोमबत्ती की ज्वाला को देखो, दोनों में क्या अंतर आएगा। हम देखते हैं कि जो गैस का जो गैस की जो ज्वाला होती है वह नीले कलर की होती है और मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो पीला और केसरे यानी कि हल्का सा लाल रंग का होता है। कक्षा 7th में मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के अनुभव को याद करिए। यदि आपको 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप इन्हें आप कर भी सकते हैं। जैसे इस प्रकार की ज्वाला देख लो, मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल आदि। प्रेक्षण का रिकॉर्ड आप नोट कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने सारणी दे रखी है कि मोमबत्ती ज्वाला देती है, ज्वाला नहीं देती है, तो ज्वाला देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस सारणी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, हम मोमबत्ती और गैस बर्न रसोई गैस के अंदर जो स्टोव होता है उसकी ज्वाला देखो, आप इसका रंग देखो और इसका रंग देखो, आपको दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। ज्वाला की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।
एक मोमबत्ती जलाइए, आपको एक मोमबत्ती को जलाना है। एक कांच की 4.5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्द पिघल जाता है। जैसे ये देखिए, मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बर्नर की ज्वालाएं, ये अलग अलग प्रकार की ज्वालाएं हैं। आप इन तीनों के अंदर आप ज्वाला के कलर भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी ज्वाला का कलर किस प्रकार आता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित, वाष्प होकर उठते हैं ना, यानी कि जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हो और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी का तेल वाला बताया, देखा हमने अभी, ये देखिए ये मिट्टी का तेल है जिससे ज्वाला निकल रही है और ये मोमबत्ती है जिससे भी ज्वाला निकल रही है। जब ये जलते हैं तो इनके पदार्थ वाष्पित होकर ऊपर की ओर उड़ते हैं, ठीक है ना। यानी कि मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उड़ते और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। ये ज्वाला इसीलिए बनती है कि वाष्पित होकर ऊपर की ओर उड़ते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए वह ज्वाला उत्पन्न नहीं कर पाता है और ज्वाला उत्पन्न नहीं देता है। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की एक कांच की नली से बाहर निकलने वाली वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट लाई प्रवेश करिए। जब मोमबत्ती जल रही हो तो उसके दीप्त क्षेत्र में, है ना, आपको दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की, जो उसका ज्वाला का जो क्षेत्र होता है अलग अलग हम पढ़ेंगे अभी, उसका यानी कि जब मोमबत्ती की ज्वाला जलती है तो उसके दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट प्रविष्ट करिए। उसे संडासी लगभग 10 सेकंड तक पकड़िए, फिर उसे हटा दीजिए। अब आप क्या देखते हैं, ये देखिए ये मोमबत्ती है, सिंपल सी बात है, ये मोमबत्ती है, इसकी ये ज्वाला है। इसका दीप्त क्षेत्र जहां पर एक कांच की स्लाइड यानी कि एक पट्टी प्लेट लाकर आपको 10 सेकंड रखना है, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो प्लेट है उस पर एक काले रंग का पदार्थ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये काले रंग का पदार्थ कार्बन का रूप होता है। तो आप आज इसी लेसन को एक बार वापस पुनः पढ़ लीजिए, क्योंकि लाइटें चली गई है, तो ये लेसन मैं आपको कल फिर पढ़ा दूंगा। तो जितना आपने पढ़ा है उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन कक्षा 8 में जिसे गणित, जिसके अंदर सवा चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि परिमेय संख्या होती क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो अपन परिमेय संख्या का चैप्टर अपन आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या जानने से पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या की जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे होती है जो एक से शुरू होती है, वे संख्या जो एक से शुरू होती है तथा अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी कड़ी में आगे देखते हैं दूसरी आती है अपने को पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण। वे संख्या है जो जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या कहलाती है? जीरो से शुरू होती है और अनंत चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। उसी प्रकार तीसरी जो आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। वे संख्या है जो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी जितनी भी प्लस वाली हो, जितनी भी माइनस वाली हो, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। और तीसरी जो आती है
वो आती है परि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं परिमेय संख्या, जो कि अपने टॉपिक में है। परिमेय संख्या वे संख्या जिसका अंश बटा हर रूप हो, अंश बटा हर रूप हो यानी p बटा q रूप हो। देखो वे संख्या जिसका p बटा q यानी अंश बटा हर क्या हो, रूप रूप होता है तथा क्यू मॉड इक्वल टू जीरो होता है। यानी वे संख्या जिसका p बटा q रूप होता है यानी अंश बटा हर रूप तो होता है तथा q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब q अगर जीरो हो गया यानी अंश तो जीरो होगा तो प्रॉब्लम नहीं, अगर हर जीरो हो गया इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखना, मान लो मैं लिख देता हूँ 5/4 बटे की संख्या है इसका मतलब परिमेय संख्या, 3/2 परिमेय संख्या, 4/3 परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। मैं लिख दो 0/2 ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर जीरो होने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर मैं 4 लिखूं और इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखूं, मान लो a भी हूं तो भी ये परिमेय संख्या कहलाती है। 4 परिमेय संख्या होती है, जरूरी नहीं 4 के लिए हो परिमेय संख्या नहीं, 4 भी अपने आप में परिमेय संख्या है, इसके लिए कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब सुनो ये दो परिमेय संख्या, अब यहां लिखा q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां लिखूं 5/0 ये आपकी क्या है परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखना हर जीरो, हर में जीरो आ गया इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। अंश में जीरो आएगा तो परिमेय संख्या होगी, परंतु हर में अगर जीरो आ गया इसका मतलब वह परिमेय संख्या नहीं है। मेरे को 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे को 0/2 है, ठीक है ध्यान रखना। वे संख्या जिसके अंदर या जिसका रूप p बटा q रूप होता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है वह कौन सी कहलाती है, परिमेय संख्या, ठीक है। जिसके अंदर ये आपको उत्तर लेना है, समझना है, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, अब अपन उसी गणित में अंदर आगे आते हैं। अपन गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रम विनिमेयता नियम या क्रम विनिमेयता गुणधर्म, ठीक है। इधर क्रम विनिमेयता गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म क्या, ध्यान से देखना, जिसके अंदर योग के लिए बताना है आपको, व्यवकलन के लिए बताना है और गुणन के लिए बताना है और भाग के लिए बताना है। तो सबसे पहले अपन क्रम विनिमेयता में योग के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, योग के लिए या जोड़ के लिए, देखना ध्यान से। क्रम विनिमेयता नियम योग के लिए, अब योग के लिए क्या होता है, जिसके अंदर दो संख्या होती है a+b=b+a, ध्यान रखना a+b=b+a, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नियम है, क्रम विनिमेयता नियम है और कौन सा है, योग के लिए। सपोज मैं यहाँ पे a=2 ले लूँ और b=3 ले लूँ तो क्या ये दोनों की संख्या यहाँ पे रखता हूँ या इन दोनों की संख्या को यहाँ पे रखता हूँ, दोनों का आंसर क्या बराबर आता है, देखना चेक करना। एक ही जगह 2 रख रहा हूँ, 2+b की जगह 3 रख रहा हूँ, इधर देखना 3+2 इधर क्या है 5, इधर भी क्या है 5, यानी दोनों तरफ क्या है बराबर है 5 और 5, इसका मतलब यहाँ कौन सा है, योग के लिए क्रम विनिमेयता नियम लागू होता है। आपको यहाँ पे लाइन सुननी पड़ेगी मुझे कि परिमेय संख्या योग के लिए, परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमेयता नियम का पालन क्या करती है, करती है क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है। इसके लिए करिए योग के लिए, ध्यान देखो क्योंकि दोनों तरफ अपना बराबर आ रहा है तो अपन को ध्यान रखना है परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है, ये दोनों योग के लिए। अब इसी कड़ी में अपन जाते हैं व्यवकलन के लिए, इसके लिए बात करते हैं अपन व्यवकलन। देखना बिल्कुल सिंपल है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ नियम वाला वो मैंने आपको कक्षा 7th में भी पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो कक्षा 7th की बुक उठा के देखना या कॉपी उठा के देखना जिसके अंदर क्रम विनिमेयता नियम मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसी कंडीशन में देखो आगे दूसरा आता है व्यवकलन के लिए, इसके लिए व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। व्यवकलन के लिए घटा फर्स्ट में तो घटा जाते रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो कैसे a माइनस b
बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल टू बी होंगे। देख लो सपोज आपको पता चल जाएगा, सपोज मैं ए बराबर दो ले रहा हूँ और बी बराबर चार ले रहा हूँ, करो ए की जगह दो रखो, दो माइनस बी की जगह क्या रख रहा हूँ चार, चार बराबर बी की जगह क्या रख रहा हूँ चार माइनस ए की जगह क्या रख रहा हूँ दो, इधर देखना दो माइनस चार बड़े सॉरी दो बड़े माइनस चार, अब जो संख्या बड़ी है उसका निशान लगाओ, बड़ी में से छोटी को घटा दो, चार में से दो गए तो माइनस के दो, इधर देखो चार प्लस के प्लस का निशान लगा दे, चार में से माइनस के दो गए तो प्लस के दो, ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि माइनस दो प्लस दो बराबर नहीं होते, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पे नीचे क्या लगेगी मिलेगी परिमेय संख्या, इसके लिए परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए, इसके लिए व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के लिए क्रम विनिमेय का नियम का पालन करती है नहीं करती है, नहीं करती है, क्यों नहीं करती है क्योंकि दोनों इक्वल प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि दोनों इक्वल प्राप्त होते तो अपन क्रम विनिमेय नियम पालन करती, इसी के अंदर लेना तीसरा ले लेना गुणन के लिए, देखता फटाफट तीसरा बता रहा हूं मैं गुणन के लिए, इसके लिए गुणन के लिए, गुणन का मतलब होता है गुणा, अब गुणन के लिए क्या होता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, देखो ए बराबर लेने के लिए चार और बी बराबर ले लिया पांच, ले लो एग्जाम्पल तौर पे इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखो, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर रखो, देखो ए बराबर चार इंटू पांच, इधर पांच इंटू चार, इधर क्या होगा बीस और इधर भी क्या होगा बीस, इसका मतलब दोनों तरफ क्या बराबर है, इसका मतलब गुणन के लिए क्या करेगी क्रम विनिमेय नियम पालन करेगी, कौन परिमेय संख्या, आपको लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या इसके लिए गुणन के लिए, गुणन के लिए क्या करेगी किसका पालन करेगी, गुणन के लिए क्रम विनिमेय का नियम का पालन करेगी, क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती है, ये हो गया ठीक है। इसी कड़ी में लास्ट कौन सा आता है अपना चौथा भाग के लिए, कौन सा आता है डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं भाग के लिए, अब भाग के लिए क्या होगा दोनों बराबर नहीं होंगे, भाग के लिए लिखना अपन हल करेंगे तो भाग के लिए दोनों बराबर नहीं आएंगे, यानी ए भाजक बी नॉट इक्वल टू बी भाजक ए, तो आपको हल करोगे नीचे तो आपको वैसे ही बराबर नहीं मिलेगा ठीक है, चाहे आप हल करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अंदर आप डायरेक्ट लिख सकते हो नीचे लाइन में कि परिमेय संख्या, लास्ट में आप नीचे लिख देना परिमेय संख्या भाग के लिए क्या करती है क्रम विनिमेयता का, क्रम विनिमेयता नियम का पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती। देखो आज अपन ने परिमेय संख्या शुरू होने से पहले अपन ने प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा की, उसके बाद अपन ने परिमेय संख्या के बारे में भी जानकारी ली ठीक है, और उसके बाद अपन ने क्रम विनिमेय का गुणधर्म आज अपन ने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में अपन सापेक्षता के गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, जैसे कि 8th में अपने सोशल साइंस में आज ये अपना फर्स्ट दिन है और अपन सोशल साइंस की वैसे अपने तीन बुक्स है ना देखे तो इतिहास का भाग अलग, पहले तो अपने आती थी वो क्या थी तीनों एक में ही थी ना, अब क्या है इनके अलग अलग पार्ट बना देते हैं, पहला भाग इतिहास का दिया है, दूसरा पार्ट अपने भूगोल का दिया है और तीसरा पार्ट जो है राजनीति विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र है ना इनके बारे में जानकारी उसमें अपन प्राप्त करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले अपना पाठ शुरू करते हैं इतिहास का पहला भाग कैसे कब और कहां, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे कब और कहां यानी कि जो भी घटनाएं जो घटित होती वो कैसे हुई कब हुई कहां पर हुई ना इसके बारे में अपन लेसन में पढ़ेंगे। जैसे कि अपन देखते हैं कि
सिक्स क्लास में अपन ने पढ़ा था प्राचीन काल के बारे में, उसके बाद में फिर सेवंथ में आए थे उस समय फिर अपन ने पढ़ा था मध्य काल के बारे में, यानी कि प्राचीन काल में जो था वो मध्य काल में कैसे परिवर्तित हुआ और मध्य काल में जो हुआ उसमें और काफी बदलाव वापस आया है जो कि आधुनिक काल में आया है, यानी कि अभी अपना जो वर्तमान चल रहा है इसके पूर्व में इसके पहले जो आता है वो कहलाता है हमारा अतीत कहलाता है, यानी कि हमारे अतीत पहले हमारे क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों में आने वाले आरंभिक मानव में यानी कि उस समय क्या हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखा जाए तो सिक्स क्लास में अपन ने प्राचीन काल को पढ़ा था, प्राचीन काल का मतलब क्या है, जैसे कि आरंभिक मानव जबकि मानव की शुरुआत हुई है यानी कि एक से लगा करके लगभग 700 वर्षों तक क्या था आरंभिक काल जिसको माना जाता है, यानी कि अपन उसको कह सकते हैं प्राचीन काल, यानी कि शुरुआती में जब मानव का जब जन्म हुआ था उस समय वो व्यक्ति क्या क्या करता था, जैसे कि पहले व्यक्ति क्या करते थे उनको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं था, वो क्या करते थे पेड़ पौधों के पत्तों को भी खा लेते थे यानी कि फ्रूट्स वगैरह खाते थे ना पौधों के, और मांस होता था उसको कच्चा ही खा जाते थे, उसको भूनते भी नहीं थे। पर धीरे 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 क्या हुआ उन लोगों में बदलाव आता गया है ना, और उन्होंने क्या करा पकाना करना सीख लिया था, शिकार करना अच्छी तरह से सीख लिया था, औजार बनाना उन्होंने सीख लिया था। उसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं वहां पर जैसे 700 से लगा करके लगभग 1700 तक का जो काल माना जाता है वो काल होता है मध्य काल, जिसको अपन मध्य काल के बारे में नाम देते हैं। जैसे अब मध्य काल के बारे में जैसे सेवेंथ क्लास में अपन ने पढ़ा था मध्य काल के बारे में, उस समय जैसे कि पहले मानव कुछ नहीं करता था, अब धीरे 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 हजार वर्षों के अंदर उसने किस प्रकार से परिवर्तन किया है, जैसे कि वो उस समय शिकार करना अच्छी तरह से सीख लिया था उसने, खेती करना भी सीख लिया था, पशुपालन सीख लिया था उन्होंने, जैसे कि खाने को पका करके खाना उन्होंने सीख लिया था, विभिन्न प्रकार के औजार उन्होंने सीख लिए थे, बहुत सारी उन्होंने बस्तियां बना ली थी ना, बहुत सारे उन्होंने गांव बसा लिए थे। इस प्रकार से धीरे 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 उनमें क्या हुआ है साम्राज्य की सत्ता भी उन लोगों ने स्थापित कर ली थी। तो ये क्या हुआ समय के साथ में परिवर्तन हुआ बदलता रहा है ना। तो अब देखिए इसमें अपने इसमें आता है कि कब और क्यों कैसे, जैसे कि जब तारीखों की बात होती है, अब इसमें आया कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती, अब जैसे वो आदि मानव आया था ना उस समय के अपन यूं नहीं कह सकते कि वो इस तारीख को आया था, या उन्होंने खेती करना कब से शुरू किया वो किस तारीख से किया इसका अपने को अब कोई जानकारी नहीं, तारीखें उस समय महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती थी, उस समय नहीं थी ना, अपन खाली उस काल के बारे में बात कर सकते कि भाई उस समय में 700 वर्षों में ये परिवर्तन हुए, उसके बाद में लगभग यानी कि 700 से लगा करके 1700 तक यानी कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे उसके बारे में अपन जानकारी कर सकते हैं। अब आके देखो इसके अंदर अपने आता है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखो एक वक्त ऐसा भी था जब इतिहासकार जो हुआ करते थे वो क्या करते थे कि तारीखों के जादू में खोए रहते थे, तारीखों के जादू में खोए रहने का मतलब है कि जैसे वो इतिहासकार उलझे हुए रहते थे कि किस तारीख को किस राजा को प्रशासन मिला, कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, कौन से राजा ने उस समय ताज पहना था, या फिर कब ये युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, है ना। तो इतनी सारी बातें तारीखों पर एक तारीख कोई फैक्ट नहीं हुआ करती थी, तो इतिहासकार जो होते थे उनके अंदर भी क्या होता था बहस चलती थी, कभी वो इतिहासकार इस चीज को नहीं मानता था तो दूसरा होता तो वो पहले वाले की बात को नहीं मानता था, तो इन लोगों में क्या रहती थी गर्मा गर्मी दोनों में बहसें होती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहासों को तारीख का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को भी देखो अपन अपने में अपन लोगों को भी कहते हुए सुनते हैं कि भाई इतिहास तो बहुत बहु है भाई इसकी जो तो तारीखें रख लो काम हो जाएगा, अपन ऐसा सोचते हैं, यानी कि उन तारीखों के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, जैसे कि उन तारीखों के माध्यम से अपन कर सकते हैं कि भाई ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और किस कारण हुआ था कब हुआ था, अब ये पूरा इतिहास ही लिखा था। इतिहास का मतलब होता है कि यानी कि पहले समय में क्या होता था उसके बाद में धीरे 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 वापस क्या बदलाव आए ये इतिहास कहलाता है। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है, इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए। अब देखिए जैसे कि अतीत के अंदर अपन मानते थे तो आदि मानव किस प्रकार रहता था, धीरे 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 क्या हुआ मध्यकाल में आया हो, मध्यकाल में आने के बाद क्या हुआ उसमें परिवर्तन आया, उसने खेती करना सीख लिया, उसने बस्तियां बसा ली, उसने गांव बसा लिए,
है ना, उसने नगर बना लिए है ना, तो ये धीरे धीरे मकान बनाना सीख गए वो, तो ये बदलाव आया था। और उसके अलावा यानी कि मध्यकाल से बीत गया आधुनिक काल आया, इसके अंदर क्या क्या बदलाव है, तो ये इतिहास तो इस चीजों पर ध्यान देता है कि बदलाव किस समय होगा, परिवर्तन क्या क्या होगा, ये इसमें अपन देखते हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बातें करने लगते हैं, यानी कि उस समय क्या हुआ करता था, इस समय क्या हुआ है, अपने यानी कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी अपने जानकारी देते हैं कि भाई जब आप उस समय छोटे थे उस समय आपके समय में क्या क्या हुआ करता था और अभी आज वर्तमान में क्या हो रहा है, अपन आज और कल की बातें में उलझे रहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आप से आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी हो रहा है दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहता है। देखो हम भी क्या है कि अपन भी इतने बड़े हुए हैं ना, अपने समय में भी जो चला आ रहा है अपने को जो दिख रहा है अपन तो वही समझे कि सदियों से यही होता चला आ रहा है, पर ऐसा थोड़ी हुआ होगा क्या, पहले समय में क्या हुआ था उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन हुआ, अब क्या हो रहा है। लेकिन हम सबके सामने कभी भी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर सड़क के किनारे चाय का घूंट पीते हुए देखा, यानी कि चाय पीते हुए देखा, तो आप अपने मन में सवाल उठता है कि भाई ये चाय कब से शुरू हुई होगी, ये चाय लोगों ने कब से शुरू कर पीना शुरू किया होगा, या ये चाय अपने यहाँ पर कब आई होगी, तो क्या इसकी कोई तारीख फिक्स थोड़ी होती है क्या, चाय पीने पी है आई है तो पी रहे है ना, इसका कोई समय फिक्स नहीं होती है। और ये कब आई है, चाय को अपन क्या मानते हैं, अंग्रेजी चाय मानते हैं, अपनी भाषा के अंदर अपन क्या कहते हैं, अंग्रेजी चाय। तो ये क्या है, जब अपने भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता जब स्थापित हुई थी उनके साथ साथ में चाय भी आई थी, उसके बाद में अपन क्या करने लगे, चाय पीना सीख गए थे। इसी प्रकार से देखिए चाय को या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा इसके बारे में अपन कोई तारीख फिक्स नहीं दे सकते। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर जाते हुए आपके जहन में सवाल आता है कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ, बैठे हैं अपन सवाल अपने मन में आएगा कि भाई रेलगाड़ी में तो अपन बैठे उसका निर्माण कब हुआ होगा, इसका चलन कब हुआ होगा, ये पहली बार कब चली हुई होगी, ये सारे क्वेश्चन अपने मन में उठते हैं। सुबह सुबह अपन अखबार पढ़ने बैठते हैं, जैसे कि अखबार में विभिन्न प्रकार की खबरें आती है ना, तो अपन अखबार के बारे में इसी प्रकार से होते भी अखबार कब आया था, इसका चलन कब हुआ होगा, क्या अखबार जब फर्स्ट बार छपा उसकी कोई तारीख थोड़ी है क्या, तारीख कभी भी नहीं आती है। जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती, देखो ऊपर चित्र एक में देखिए कि उपनिवेशवाद का बोध कराता है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, यानी कि एक समृद्ध देश जो होता है वो जैसे कि किसी कमजोर देश का जिसको अपन मान सकते हैं उपनिवेशवाद, यानी कि उसके अधीन जो रहता है वो क्या है, उपनिवेशवाद देश का कहलाता है, यानी कि साम्राज्य समृद्ध देश है ना उसके अधीन जो दूसरा देश रहता है वो उसका उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखिए फर्स्ट चित्र के अंदर देखिए ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे जेम्स रेनियर द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण, यानी कि ये नक्शा जो है अपने भारत का जो पहली बार नक्शा बना था जेम्स रेनियर ने बनाया था, और लॉर्ड क्लाइव जो था जेम्स रेनियर को नक्शा बनाने के लिए कहा था, और उन्होंने कब बनाया था, सन 1782 के अंदर इस नक्शे का निर्माण किया था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समक्ष रेनियर को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे में तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, और इनके जो ब्राह्मण जो है यानी कि अपने जो मुख्य दस्तावेज थे अपने भारत के जो मुख्य दस्तावेज थे वो इन अंग्रेजों को सौंपते हुए ये चित्र के अंदर दिया हुआ है। देखो इस प्रकार में किस प्रकार से उपनिवेशवाद जनता के लिए झुके हुए हैं इनके सामने, यानी कि इन अंग्रेजों की जो सत्ता जो है उस समय स्थापित हो चुकी थी। ठीक है अभी अपना अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है तो इसको अपन नेक्स्ट कल वाली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।